अज लोक इंसाफ पार्टी एससी विंग दे वल्लों पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। इस मौके एससी विंग दे आगुओं ने दस्सिया कि प्राइवेट कॉलेजों वालों सूबे के 2 लाख अनुसूचित जातियां दे विद्यार्थियों के रोल नंबर रोक लिए गए ने, जिस कारण आने वाली प्रीख्यावां विच विद्यार्थियों नूं भारी मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। पंजाब सरकार ने कॉलेजों नूं 1850 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं दी, जिस कारण विद्यार्थियों का भविख खतरे में है। यह एक बहुत वड्डा धोखा है दलित समाज नाल, जिसकी लोक इंसाफ पार्टी निंदा करती है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र दिता गया ते इस घोटाले की CBI जांच करवाउण दी मंग कीती गई। साधु सिंह धर्मसोत जो मंत्री सके, जिन्हां दे उत्ते इल्जाम सीगा भी उन्होंने स्कॉलरशिप का पैसा खा लिया, उन्होंने क्लीन चिट उन्होंने मिल गई। पर जिहड़े बच्चे पढ़ते सके स्कूलों च कॉलेजों च यूनिवर्सिटियों च, हुण पोजिशन यह है भी उन्होंने एग्जाम दे विच नहीं बैठन दिया जा रहा। कॉलेज ने यूनिवर्सिटियां ने वो कहिंदे ने भी जिहड़े बच्चों की फीस नहीं पहुँची असी उन्होंने एग्जाम च अपीयर नहीं होने देना। सो असी जिहड़ा अज दा प्रदर्शन ने रखिया सीगा वह DC साहब के थ्रू असी पंजाब सरकार नूं सुती पई कैप्टन सरकार नूं जगाउण लई असी जिहड़ा मंग पत्र दिता है तां कि कैप्टन साहब तक पहुँचता होवे। जिहड़े स्कूल कॉलेज कह रहे हैं असी बच्चों नूं एग्जाम दे विच नहीं बैठन दिता, उन्हां लई सरकार है जिहड़ी वह एक आर्डर जारी करे और जिहड़े स्कॉलरशिप के पैसे ने वो बच्चों के अकाउंट के स्कूलों कॉलेजों की फीस के रूप के उन्हां तक पहुँचन, ताकि बच्चों का जिहड़ा साल आ जिहड़ा खराब हो रहा उन्हूं किसी तरीके रोकया जा सके। लुधियाना लाइव लई टिंका चढ़ती रिपोर्ट।